Assalamu alaikum to all of you. Today is our first lecture. My name is Virya Naim. I am your teacher. I will teach you issue in Pakistan economy. As you know that you are the students of business, computer sciences. This is irrelevant subject to you, but the economy of Pakistan has many issues. So it is important to discuss all of this. Therefore, we will study this subject. Issue in Pakistan economy. ये हमारे बेसिकली सब्जेक्ट का नाम है. इसमें हम देखेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है और पाकिस्तान में कौन कौन से इश्यूज़ पर वेल कर रहे हैं और उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस से देखते हैं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है. इशू इन पाकिस्तान इकॉनमी, इसके इंपॉर्टेंस के अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ की पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इंपॉर्टेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी. एक तो ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हमें जब तक इश्यूज नहीं पता होंगे हमारी, हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगी. सेकंडली इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, जैसे ग्रोथ के लफ्ज़ से आपको पता लग रहा होगा कि हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एग्रीकल्चर अच्छा हो, हर चीज़ इंप्रूवमेंट की तरफ जाए और वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह अच्छी से अच्छी बेहतरीन कंट्री बन सके. ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक इश्यूज हम इस पूरे अपने ओवरव्यू देती हूँ आपको इसका टॉप बुक का, तो जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कुछ मेजर इश्यूज यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं मेजर इश्यूज की, कि मेजर इश्यूज क्या क्या हैं जो कि हम लोगों ने स्टडी करने हैं. तो मेजर इशू, फर्स्ट मेजर इशू जो आपके पास आएगा दैट वन इज़ GDP ग्रोथ. ठीक है, GDP ग्रोथ एंड व्हाट इज़ GDP? GDP इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल के अंदर एक कंट्री कितना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, कितनी इनकम उसकी आ रही है. ठीक है, तो ये मेजर इशू है कि हम देखना चाहते हैं कि GDP ग्रोथ लेवल क्या है. तो अगर हम सर्वे देखें 2019 का तो उसके अकॉर्डिंग GDP ग्रोथ रेट 5.28% है. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इकोनॉमी सर्वे है 2020 का, वो जून में पब्लिश होगा और फिर हम उसमें देखेंगे कि हमारी कंट्री क्या अप गई है या क्या डाउन गई है. मोस्टली जो चांसेस फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, हम देख चांसेस यही हैं कि हमारी इकॉनमी डाउन होगी, पर अल्लाह ना करे इसको ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बनेगी. ठीक है, सेकेंड जो टॉपिक हम लोग इसमें हम लोगों ने डिटेल में देखना है वो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट. हमारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट रेट बहुत लो है. इन्वेस्टमेंट कम है जिसकी वजह से हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट भी कम है और बाहर से जो कंट्री हैं फॉरेन कंट्रीज़ वो भी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करती. थर्ड वन इशू इज़ सेविंग. हम आगे एक चीज़ पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर होती हैं हमारे पास. सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती हैं, मतलब जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ पे सेविंग भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ पे होती, सेविंग्स हमेशा वहाँ पे होती हैं जहाँ से हम इन्वेस्टमेंट गेन कर रहे हैं. लेट्स सपोज मैं एक टीचर हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, अपनी स्किल्स इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं, उसके बदले में मुझे इनकम मिल रही है, तो डेफिनेटली जब मैं इन्वेस्टमेंट लगा रही हूँ तो उसके बदले में कुछ आ रहा है, और जब इनकम आ रही है तो मैं उसी में से सेविंग बचाऊँगी. इसीलिए इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग. जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी हमारे पास हम सेविंग्स नहीं कर सकते हैं. फोर्थ वन इज़ एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर क्या है हमारा, आपको पता है कि पाकिस्तान जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर कंट्री है. एग्रीकल्चर कंट्री के हमारा सारा जो बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम है. हमारा सारा जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है. हमारी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी एग्रीकल्चर गुड्स की हैं, कॉटन होगी, राइस, वीट. ठीक है, ये सारा कुछ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसी से हमें सारा मार्जिन आ रहा होता है. ठीक है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स कंट्री जो है हमारी एग्रीकल्चर कंट्री है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मैन्युफैक्चर गुड्स. हम लोग पूरी अपने इसमें देखेंगे कि मैन्युफैक्चर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में हम देखेंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे लाई कर रही हैं. सेकंड वन इज़ सर्विसेज. सर्विसेज कंट्री हमारी एग्रीकल्चर है, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है हमें सर्विसेज से मिल रहा है. सर्विसेज क्या हैं कि हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, जस्ट लाइक मैं टीचर हूँ, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, ठीक है, ये सारा सर्विसेज में आ जाता है. और मोस्टली हमारे जो वर्कर्स हैं वो बाहर की कंट्रीज में भी अपनी सर्विसेज पे कर रहे हैं. तो वो जो सर्विसेज बाहर पे की जा रही हैं, यहाँ से जो इंटेलिजेंट लेबर है, ठीक है, इंटेलिजेंट लेबर जो है वो अगर बाहर मूव करके जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है, तो जो फॉरेन कंट्रीज़ में मूव करेगा तो इस सारे प्रोसीजर को हम कहेंगे ब्रेन ड्रेन. कि हमारे पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ से
लाइक जो इंटेलिजेंट अवाम है वो बाहर जा रही है। ठीक है ठीक है, यहाँ से ये ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट आ गए। मेजर इश्यूज़ हैं जो हम देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी कौन कौन से मेजर इश्यूज़ फेस करेगी, कौन कौन से फेस कर रही है। नेक्स्ट वन इज़ GDP पर कैपिटा। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब है कि इनकम ऑफ वन पर्सन, और एवरेज इनकम ऑफ वन पर्सन हमारी कंट्री में जो है वो 15,000 से 20,000 तक है। ठीक है, 15,000 से 20,000 तक है हमारे कंट्री में एवरेज इनकम जो है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉर्ड 8 इशू हमारे पास क्या आ रहा है। तो दैट वन इज़ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट कहते हैं कि आपके मुल्क में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम उसकी रेशियो देखें तो तकरीबन 53% है, और ये 57% भी कुछ बुक्स में कही जाती है। मतलब हमारी कंट्री में हाफ़ से ज़्यादा पॉपुलेशन एजुकेटेड है। हाफ़ से ज़्यादा पॉपुलेशन एजुकेटेड होने से क्या मुराद है कि हमारा मुल्क एक पढ़े लिखे लोगों के उसमें कंसीडर किया जाता है। और ये जो लिटरेसी रेट है ये नहीं है कि कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, उससे मुराद कितनों ने PhD की हुई है, ये कितनों ने क्या किया हुआ है। ये लिटरेसी रेट सिर्फ उन लोगों को कंसिडर किया जाता है जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना आता हो, अपना नाम पढ़ना आता हो। तो ऐसे लोग हमारी कंट्री में 53 से 57% हैं जिनको अपना नाम और न्यूज़पेपर पढ़ना आता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, मेजर इशू जो है वो पॉवर्टी की है। व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को। ठीक है, हमारा मुल्क गुर्बत का शिकार है, बहुत ज़्यादा गुर्बत हमारे मुल्क में लाइक कर रही है। एवरीवन इज़ फेसिंग ह्यूज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास इतनी बिल्टी नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर कोई रिच क्लास भी हमारे अगर है, आउटस्टैंडिंग क्लास जिसको कहा जाता है, उसके भी 100 मसले मसाइल कंसिडर किए जा रहे होते हैं। तो पॉवर्टी कि ये है कि हमारी कंट्री में गुर्बत है। गुर्बत क्या है? जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे बाकी जगहों पे, सिर्फ वो अपनी बामुश्किल रोटी ही कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारी कंट्री में गुर्बत का प्रॉब्लम जो है ये मेजर इशू है, इसको अगर हम रिजॉल्व कर लें तो क्या होगा? लोग जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही होगी उसको अपने बच्चों को पढ़ाने पे इन्वेस्ट करेंगे। जब पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली स्किल्स डेवलप होंगी, नॉलेज डेवलप होगी, और उससे हमारी कंट्री डे बाई डे इम्प्रूव होती जाएगी। 10 प्रॉब्लम इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोज़गारी को। ठीक है, बेरोज़गारी। ठीक है, अच्छा जी, बेरोज़गारी क्या होता है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं हैं, जबकि हमारी कंट्री का जो इकॉनमी सर्वे है, इकॉनमी सर्वे एक्चुअली एक रिपोर्ट है जो कि हर साल शाया होती है, जो कि हमें बता रही होती है कि हमारे मुल्क की बेरोज़गारी कहाँ पे है, एग्रीकल्चर कहाँ पे है, इंडस्ट्री कहाँ पे है, कि कितनी कितनी किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, और ओवरऑल हमारी इकॉनमी कहाँ पर लाइक कर रही है। ठीक है, ये सारे इशूज़ आपको इकॉनमी सर्वे में बताए जाते हैं। ठीक है, तो इकॉनमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 2019 में वो कहते हैं सिर्फ हमारे मुल्क में 4 से 6% अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट तो हर कंट्री में ही रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि लोग अक्सर एक जगह से, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, या कुछ लोग स्विच जॉब ने स्विच ऑफ कर रहे होते हैं, या लोग चेंज करना चाह रहे होते हैं, कुछ की प्रमोशन हो रही होती है, जिसकी वजह से उनका अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन चल रहा होता है। तो ये वो वाली हमारे पास प्रॉब्लम है, वो टाइम लिमिट है, ये वो परसेंटेज है जिसमें लोग बेरोज़गार होते हैं। ठीक है, 11 प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं, दैट वन इज़ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट से क्या मुराद है कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं वो बताती हूँ आपको। एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? एक्सपोर्ट्स जो होती हैं हमारी इम्पोर्ट से ज़्यादा होती हैं। और एक्सपोर्ट्स क्या हैं? वो चीज़ें जो हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। ठीक है, बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट्स क्या हैं? जो हम बाहर भेज रहे हों। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स ज़्यादा आ रहा है, ब्रांड्स की चीज़ें आजकल बिल्कुल हमारी वो दिमाग पे एक हवा बनी हुई है कि नहीं जी, हमें ब्रांड ही यूज़ करना है। ठीक है, तो सारा कुछ बाहर से आ रहा है, तो बाहर की कंट्रीज़ को तो डेफ़िनेटली फ़ायदा हो रहा है। हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट से मुराद है कि हमारी ट्रेड इतनी ज़्यादा नहीं है। 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड जो था 5.6% है, ट्रेड हमारा कम है।
जिसकी वजह से हम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारे पास है, जिसमें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स का बता रही हूँ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। इस एक एक प्रॉब्लम को एक एक लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में देखना है, इसके बैक पे थ्योरीज कौन सी हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 12th प्रॉब्लम, दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड व्हाट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ? आबादी में इजाफा, आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एज़ यू नो दैट कि लाहौर के 22 करोड़ हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, 22 करोड़ है, दैट इज़ टू मच, ठीक है। और पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से पूरी वर्ल्ड में 6 नंबर पर लाए कर रहा है, ठीक है। 6 नंबर मतलब आउट ऑफ 206 आई थिंक टोटल कंट्रीज़ हैं, सॉरी 196, ठीक है। इनमें से 6 नंबर पे पाकिस्तान लाइक कर रहा है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, और जहाँ पे वो कहते हैं ना जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा मसाइल, तो एक मुल्क में जितनी ज़्यादा आवाम होगी वहाँ पे उतने ज़्यादा मसाइल होंगे, तो पॉपुलेशन शुड बी रिड्यूस, ठीक है। और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है हमारे पास 2.4% जा रहा है, 2.4% हमारे पास पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट एनुअल इंक्रीज़ हो रहा है। 13 इज़ डेट सर्विसेज, व्हाट इज़ डेट सर्विसेज? डेट इज़ कर्ज़ा, ठीक है। एज़ यू नो दैट IMF हो गया, व्हाट इज़ IMF? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, आप नोट कर लें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से मुराद है कि आप जो एक ये अदारा है पूरा लंदन में वाशिंगटन में ये है, ठीक है। ये आपको कर्ज़े देता है हर मुल्क को, लेकिन साथ कंडीशंस भी लिखाता है कि मैं आपको ये कर्ज़ा दे रहा हूँ तो आपने इस कर्ज़े को अब कैसे पे करना है। वर्ल्ड बैंक भी यही काम करता है, वर्ल्ड बैंक भी आपको कर्ज़ा देता है आपके मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ अच्छा, ठीक है, जस्ट बेसिक हमारे टैक्स बर्डन है, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे पीछे प्रीवियसली? ये हो गए थे 13 एंड दैट वन इज़ 14। 14 है टैक्स बर्डन, है टैक्स, व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स जो है एक हमारे पास अमाउंट है जो कि हम लोगों ने गवर्नमेंट को पे करनी होती है। क्यों पे करनी होती है? जो हमें सर्विसेज दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेट सपोज अगर मैं मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, हालांकि प्रॉपर्टी तो मेरी अपनी है लेकिन मुझे इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं ताकि वो हमारे मुल्क को चला सके। इसके रिटर्न में गवर्नमेंट क्या करती है? हमें फ्री सर्विसेज दे देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनते हैं, पार्क्स बनती हैं, ठीक है। हर गवर्नमेंट जो है अपनी कुछ उस अपने तरीके से उस टैक्स को यूटिलाइज करके हमारे बेनिफिट के लिए काम करती है, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, टैक्स बर्डन हो गया। 15 इज़ एक्सपेंडिचर, व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर कहा जाता है खर्चों को, ठीक है। अखराजात, अखराजात हैं गवर्नमेंट के, अखराजात हैं। गवर्नमेंट ने कर्ज़ा जो है वो लिया हुआ है बाकी मुल्कों IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उसको भी वापस करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट के और बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी कहते हैं इसको उर्दू में, एग्जैक्ट वर्ड इसको मेरे माइंड में नहीं है। सब्सिडी मैं आपको उर्दू में ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्सिडी कहते हैं जैसे राशन का हमें मिलता है फ्री में, राशन कार्ड वगैरह, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बैंक्स होते हैं, ये इतवार बाज़ार लगता है या फिर रमज़ान बाज़ार लगता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पीछे किसानों से या पीछे वाली शॉप से चीज़ें सस्ती ले, उसी अमाउंट पे लेकर जिससे वो पे करना चाह रहे हो हमें सस्ती दे देती है। लेट्स सपोज एक तोड़ा है, उसकी अमाउंट, तोड़ा है आटे का, उसकी जो अमाउंट है 1000 रुपया, तो गवर्नमेंट 1000 का उस आदमी से ख़रीदेगी और इतवार बाज़ार में या रमज़ान बाज़ार में हमें 800 या 900 का बेच देगी, ठीक है, हमें दे देगी ताकि हम गरीब गुरबा अपना गुजारा कर सकें कम पैसों में भी, ठीक है। तो वो जो 800 और 1000 के दरमियान में डिफरेंस है 200 का, ठीक है, तो वो क्या है? वो अमाउंट है जो कि एज अ सब्सिडी यूज़ हो रही है, जो कि हमें गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है, ठीक है, दैट इज़ सब्सिडी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर,
ठीक है, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हमारे पास वो अखराजात आते हैं जो कि हम डेवलपमेंट के लिए करते हैं, जस्ट लाइक मेट्रो ट्रेन हो गई, ठीक है, मेट्रो बस भी कह सकते हो आप, मेट्रो ट्रेन भी है हमारे पास, ठीक है, मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन, ये सारी हमारे पास वो सर्विसेज हैं जो हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल हम लें तो ये आज़ादी चौक के जो ओवर पुल बना है ये सारा दुबई में भी इस तरह का बना हुआ, इसको सेम कॉपी किया गया है। तो इसको क्या है, ये सारा हमारे पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आया था जिसके अंदर कंट्री जो है अपने अपनी कंट्री के ऊपर पैसा लगाई, कंट्री के लोगों पे पैसा नहीं लग रहा होता, कंट्री पे पैसा लग रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कैसे किया जा रहा होता है कि अब ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए, जैसे फैसल मस्जिद होगी और ये बादशाह मस्जिद होगी, इनकी मतलब रिपेयरिंग पे जो खर्चा आता है वो गवर्नमेंट करती है, उसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर कंसिडर करते हैं। गवर्नमेंट क्यों करती है वो खर्चे, ताकि वो अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सके और यहाँ से यहाँ पर बाहर की इनकम किसी ना किसी तरह आ सके। 17.1 इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को उर्दू में कहते हैं अफराते ज़र, ठीक है, एंड व्हाट इज़ ज़र, ज़र कहते हैं मनी को, पैसों को, अफराते ज़र इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या होती है, जनरल राइज इन प्राइस लेवल, ठीक है, जनरल राइज इन प्राइस लेवल, जनरल राइज इन प्राइस लेवल से मुराद है कि पैसों का जो यूज़ है या पैसे की जो क्वांटिटी है वो इकोनॉमी में ज़्यादा हो गई है। तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेट्स सपोज मेरे पास पहले थे 1,000 रुपये और अब मेरे पास 2,000 हो गए हैं, मैं इसकी जो कदर करती थी, जो इन पैसों की कदर थी, वो इन पैसों की कदर नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे पैसा ज़्यादा होता जाता है इकोनॉमी में, उसकी कदर, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। यहाँ पर एक थ्योरी है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, ये फिशर ने दी थी, ठीक है, वो यही कहता था, वो कहता था जैसे जैसे क्वांटिटी पैसे की, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है, ठीक है, प्राइस लेवल भी इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन इन रियल टर्म्स हमारे पास उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उस पैसे की कीमत कम हो जाती है, उसकी कदर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि क्या क्या इश्यूज़ इकॉनमी फेस करती है, कैसे फेस करती है, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, सारे वो इश्यूज़ हैं जो कि इकॉनमी फेस कर रही है और उसको इस सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा है। हम एक एक टॉपिक को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए जैसे ये ओवर आपके पास ओवरकम था कि इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी, कि पाकिस्तान की इकॉनमी कौन कौन से इशू फेस कर रही है, उसको हमने कैसे ओवरकम करना है। ओवरकम कौन करता है, बींग एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूँ तो इकॉनमी को चलाने वाला बंदा एक इकॉनमिस्ट ही होता है, और इस वक्त तो हमारा चीफ इकॉनमिस्ट 2017 में से डॉक्टर जवाद नदीम है, ठीक है, और मतलब ये क्या काम करते हैं, ये देखते हैं कि इकॉनमी में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इसको हमने कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है हमारी इकॉनमी में होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हम लोग इशू छोड़ गए हैं, दैट वन इज़ मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं इसको। 17 हमारे पॉइंट्स हो गए हैं, 18 है एजुकेशन। व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन कहते हैं तलीम को, हमारी कंट्री में जो तलीम है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा 57% तो हमारे पास ऑलरेडी है, वहाँ पढ़ी लिखी है, लेकिन एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। व्हाट इज़ मेंट बाय क्वालिटी, के क्वालिटी होनी चाहिए, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी से क्या मुराद है कि आपके पास एक अच्छी वैल्यू होनी चाहिए एजुकेशन की। एजुकेशन तो हमारे पास है लेकिन जस्ट फॉर टाइम पास वो एजुकेशन उसको कंसीडर किया जा रहा होता है, वो हमें इतना बेनिफिट नहीं दे रही होती, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अगर हम बात करें जापान की, ठीक है, एक डेवलप कंट्री के साथ हम अपनी कंट्री का कंपेरिजन करते हैं, ये है जापान, ये है पाकिस्तान, ठीक है। जापान जो है अपनी इनकम का 1/3 जो है सेव करती है, लेट्स सपोज अगर उसको 1,000 रुपया एक बंदे की इनकम है तो उसमें से वो अप्रोक्सीमेटली 800 जो है वो सेव कर रहा है,
ठीक है, जब वो सेव करेगा, लेट्स हम लोगों ने पहले बात की, जब वो सेव करेगा तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा किसी ना किसी चीज़ में तो उसको वो चीज़ डबल होके आ रही होगी, उसके साथ मुनाफा भी मिल रहा होगा उसको, ठीक है। अगर आप कहीं 800 लगाते हो तो डेफिनेटली आपको उसके रिटर्न में 900 या 1000 मिल रहा होगा, तो इससे क्या है, पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। तो वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता जाता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। जबकि पाकिस्तान में हमारी इनकम का 0.5% जो है हम लोग सेव कर रहे हैं। देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट, मतलब अगर 1000 आप कमा रहे हो तो 1000 में से सिर्फ और सिर्फ आप कितना, इसको हम कह सकते हैं 50 भी नहीं बनता है ये तो मेरे ख्याल से, चलिए हम 50 कंसीडर करते हैं, 50 रुपीज़ जो है आप सेव कर रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत कम अमाउंट है। तो हमारी सेविंग्स जो है ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री में डेवलपमेंट कर सकें, तो सेविंग शुड बी इंक्रीज़, ठीक है। ये सारे वो मेजर इश्यूज़ हैं जो कि हम लोगों ने देख लिए हैं कि कंट्री कौन कौन सी हमारी फेस करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी यही है कि हमारा जो 43% लेबर है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है, ठीक है। एग्रीकल्चर में एंगेज होने से क्या मुराद है कि 43% जो लेबर है एग्रीकल्चर में एंगेज तो है, काम कर रहा है, ठीक है, मतलब वो गरीब इकॉनमी से लाइक कर रहा है। गरीब इकॉनमी कौन सी होगी, एक किसान हो गया, आप कभी भी पढ़ा लिखा शख्स या MBA या BBA या BScS वाला तो कभी भी, आपको पता है, वो कभी भी प्रेफर नहीं करेगा कि वो एक एग्रीकल्चर का काम करे, खेती बाड़ी करे, ठीक है। तो 43% जो हमारी जो आवाम है वो जो है एग्रीकल्चर के अंदर मसरूफ़ है, एग्रीकल्चर में काम कर रही है, जबकि एग्रीकल्चर की सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम है। जब हमारे पास ये इशू कब बनता है इकोनॉमी में, कहते हैं ना एक मसला होता है, एक प्रॉब्लम होती है, एक इशू होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक प्रॉब्लम है एक इशू है। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है इशू इन पाकिस्तान इकोनॉमी, नॉट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। तो प्रॉब्लम और इशू में क्या डिफरेंस है, प्रॉब्लम एक मसला होता है, ठीक है, वो मसला हल हो जाता है, लेकिन इशू क्या होता है, इशू जो होता है जब ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा देर के लिए इकॉनमी में लाइक कर रही हो, लेट्स सपोज 10 ईयर्स, 20 ईयर्स या फॉर फ्यू ईयर्स अगर ये इकॉनमी में लाइक कर रही हो, ठीक है, जब ये इकॉनमी में लाइक कर रही होगी और ये ख़त्म नहीं हो रही होगी तो फिर ये हमारे लिए इशू बन जाएगी, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि बड़ा मसला बन गई है, अब इसको कैसे हल किया जाए, ठीक है। अब ये बड़ा मसला बन गया, प्रॉब्लम थी, एक माइनर सी प्रॉब्लम थी, आज नहीं कल हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो हमारे लिए एक इशू बन जाती है। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक था बेसिकली इशू इन पाकिस्तान इकॉनमी, ये हमारा जो टॉपिक है इशू इन पाकिस्तान इकॉनमी, ठीक है, इशू इन पाकिस्तान इकॉनमी कि हमारी कंट्री इकॉनमी में कौन कौन से इशूज़ प्रवेल कर रहे हैं, ये सारे भी हम लोगों ने ये देखे, इशू हम लोगों ने देखे हैं, इशू कौन कौन से प्रवेल कर रहे हैं, इन सारे इशूज़ को हम लोग देखेंगे, बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इनके बैक पे क्या क्या थ्योरीज़ हैं, कैसे कैसे हम इन इशूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, और इन इशूज़ को ओवरकम करने के लिए हमें इन फ्यूचर क्या करना होगा। ये आज के लेक्चर का सारा वो ओवरव्यू था, आप लोग के जो असाइनमेंट है वो मैं आपको दे रही हूँ इस लेक्चर की, ठीक है, ये आपके पास आ गया असाइनमेंट, आप लोगों ने गूगल करना है, गूगल करना है, गूगल पे आप लोगों ने लिखना है इकॉनमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे जो फर्स्ट वाला आप हाईलाइट करोगे उसमें आपके पास आएगा स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स, ठीक है, उसके अंदर आपको ये एक सर्वे मिलेगा, सबका अलग अलग होगा, एग्रीकल्चर का, ट्रेड का, सारा को नहीं देखना आपने, ओवरऑल जो रिपोर्ट होगी आपने उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। आपने उसको डाउनलोड करके उसमें से आपने जो जितने मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं कौन कौन से आपके पास हैं, GDP ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर गुड्स, सर्विसेज, ये सारों की आप लोगों ने देखनी है कि आप लोगों के पास आपके पास क्या क्या रेट चल रहा है, कितना कितना रेट है इनकी ग्रोथ का, वो आपने MS Word पे असाइनमेंट बनानी है, सबके ग्रोथ रेट लिखने हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी कंट्री में कितना है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कितना है, जस्ट इन वन लाइन, ठीक है। एंड यू हैव टू सेंड मी ऑन माई मेल एड्रेस JAWERIYA 994@gmail.com।
com. It is your first assignment. I hope कि आज के लेक्चर में आपको कोई इशू नहीं होगा. इसके अलावा भी अगर कोई इशू होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई ईमेल. ओके, अल्लाह हाफिज़.